किसी पीडीएफ डॉक्यूमेंट में फ्री में आप एडिट कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में समझते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आप गूगल क्रोम के जरिए आप गूगल ओपन कर लीजिए और जैसे गूगल ओपन होगा आपको यहां पर टाइप करना है फ्री पीडीएफ एडिटर। ठीक है, जैसे ही टाइप करेंगे तो जो सबसे पहला वाला जो साइट ओपन होगा sejda.com, आप यहां देख रहे होंगे sejda.com, sejda.com सबसे पहला वाला है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इसका साइट ओपन होगा। अब क्या करना है ना, यहाँ पर देख रहे होंगे अपलोड पीडीएफ फाइल। तो यहाँ से कहने का मतलब है कि जिस पीडीएफ में आपको एडिट करना है उस पीडीएफ फाइल को एडिट कीजिए। इस पर क्लिक करते हैं और ये आपको अपने सिस्टम पर लेके चला जाएगा। तो मान लीजिए हमें जिस डॉक्यूमेंट में जिस पीडीएफ में एडिट करना है उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, तो डाउनलोड्स में एक यह रखा हुआ है पहला वाला, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ओपन। तो वो जो डॉक्यूमेंट है ना, जिस डॉक्यूमेंट में आपको बदलाव करना है वो डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसमें से क्या है कि इसमें बहुत सारे टूल्स भी आपको मिल जाता है, लेकिन अभी क्या करना है कि अगर हमें सिर्फ एडिट करना है टेक्स्ट वगैरह, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल किए। अब जैसे देखिए इसमें अगर अमाउंट बदलना है तो आप यहाँ से जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा कर्सर आपका ब्लिंक करेगा, आप इसको यहाँ से डिलीट कीजिए और यहाँ से अमाउंट ऐसे बैठा दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से क्या करना है कि राजमहल लिखा हुआ है, अभी अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ हमें चेंज करना है, ठीक है, राजमहल के बजाय अगर हमें यहाँ पर क्या करना है रांची करना है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं डिलीट करते हैं और यहाँ से रांची लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर नाम बदलना है तो यहाँ पर इस नाम को ऐसे करके क्या करते हैं मिटा देते हैं। और जिसका भी नाम लिखना है तो मान लीजिए यहाँ से हम अपना नाम लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से नाम हम ऐसे टाइप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है ना कि इस तरह से जो भी हमें बदलाव करना था हम बदलाव कर दिए। और यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे अप्लाई चेंजेस, अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कीजिए। ये योर टास्क इज प्रोसेसिंग, ये अप्लाई हो रहा है और अप्लाई होने के बाद अब आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखा रहा है। ठीक है, इस जगह पर देखिए जो जो चेंज करना था वो यहाँ पर दिखा रहा है जो भी हम लोगों ने बदलाव किया। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एडिट करने का तो पहले बता दिए, मर्ज करने का, प्रिंट करने का, शेयर करने का, इसके अलावे क्रॉप करने का बहुत सारा फैसिलिटी दिया है। इसे अगर आपको सिस्टम में नॉर्मली डाउनलोड करना है आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। और जैसे इसको ओपन करेंगे अब ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने दिखाई दे रहा है ये नया वाला डॉक्यूमेंट है, चेंजेस किया हुआ डॉक्यूमेंट है। अब इसे आप प्रिंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, हालांकि ये काम आप वहां से भी कर सकते थे। उम्मीद है इस वीडियो में आप फ्री में कैसे पीडीएफ में एडिट कर सकते हैं समझे होंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।